सुबह जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स। सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि फिनोल होता क्या है। बेंजीन रिंग के ऊपर OH, दैट वाज कॉल्ड एज फिनोल। इसका दूसरा नाम हम लोगों ने पढ़ा, दैट वाज हाइड्रोक्सी बेंजीन, और उसके साथ इट इज आल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड। फिर जब हम लोगों ने फिनोल प्रिपरेशन का पहला मेथड पढ़ा, वो पढ़ा था फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाने से पहले हम लोगों को पहले बेंजीन से क्या बनाना पड़ेगा, सल्फोनिक एसिड। और बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाने के लिए जो प्रोसेस हम लोगों ने की सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, दैट वाज कॉल्ड एज सल्फोनेशन। जब जब किसी का भी सल्फोनेशन होगा तो जो ग्रुप इम्पार्ट होगा दैट इज SO3H। तो बेंजीन का सल्फोनेशन जब हम लोगों ने किया तो बना बेंजीन सल्फोनिक एसिड, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सल्फोनेशन। क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा, कन्वर्ट बेंजीन टू फिनोल। तो बेंजीन टू फिनोल करने के लिए हम लोगों के पास पहले बेंजीन सल्फोनिक एसिड होना चाहिए, तभी हम लोग फिनोल बना पाएंगे। इस प्रोसेस के लिए हम लोगों ने ये बेंजीन लिया, इसको सल्फोनेशन किया और ये बन गया SO3H, दैट इज कॉल्ड एज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये पहला स्टेप हम लोग ऊपर भी कर चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने इस पर्टिकुलर रिएक्शन को फिनोल तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने NaOH के साथ रिएक्शन किया। अब बेटा SO3H और NaOH, NaOH का OH और SO3H का H दोनों मिलकर के वाटर बना देंगे, और जो ग्रुप इम्पार्ट होगा वो होगा SO3Na, दैट इज कॉल्ड एज सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। फिर सोडियम बेंजीन सल्फोनेट के बाद हम लोगों ने जो किया वो हम लोगों ने Na2SO3 निकाल दिया, वाटर निकल गया और NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन की तो ये बन गया ONA, दैट वाज कॉल्ड एज सोडियम फिनोक्साइड। और सोडियम फिनोक्साइड का जब हाइड्रोलाइसिस किया तो हमारे पास फिनोल बन गया। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आता है बेंजीन टू सल्फोनिक एसिड, तो ये प्रोसेसेस होंगी। ठीक है, उसके बाद जो हम लोगों ने किया दैट वाज फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से जो हम लोगों ने किया डाई एजो का मतलब होता है दो नाइट्रोजन, अजोनियम क्लोराइड N2Cl, बेंजीन के ऊपर N2 और Cl, दैट इज कॉल्ड एज बेंजीन डायजोनियम। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर वही बात, जिस तरह से हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप में जब बेंजीन से फिनोल बनाया था तो हम लोगों ने सल्फोनेशन किया था, अब जो प्रोसेस हम लोग करेंगे दैट इज कॉल्ड एज नाइट्रेशन। जिस तरह से सल्फोनेशन के अंदर SO3H ग्रुप लगा था, नाइट्रेशन के अंदर कौन सा ग्रुप लग रहा है, NO2, और हम लोगों ने क्या लिखा SN, टिन और HCl दोनों मेटल है तो रिड्यूसिंग एजेंट, और NO2 को किस में रिड्यूस कर देता है, NH2 में। क्यों रिडक्शन हुआ, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ रखा है रिडक्शन का सिंपल सा अर्थ होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो दोनों ही प्रोसेसेस हो रही हैं। फिर हम लोगों ने क्या किया, NH2 की रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड एज एनिलिन, एनिलिन का नाइट्रेशन किया डायजोटाइजेशन, तो हम लोगों के पास क्या बन गया N2Cl, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। मैं इसको लिख भी देता हूं, दिस इज कॉल्ड एज बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। और ये बना देता है फिनोल। तीसरा जो हम लोगों ने रिएक्शन पढ़ी दैट इज फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ग्रिगनार्ड रिएजेंट हम लोगों ने पढ़ रखा है RMGX, और यहां पे ये BR क्या होता है बेटा, ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनाने के लिए या तो मुझे क्लोरोबेंजीन चाहिएगा या BR लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या होगा, ब्रोमोबेंजीन। और MG के साथ रिएक्शन की, देखो RMG ये X पूरा ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, तो क्या बन गया बेंजीन रिंग R, ये कौन सा ग्रुप होगा RMG, BR हो, फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, आयोडीन हो, उनके लिए क्या यूज करते हैं X, तो ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ग्रिगनार्ड रिएजेंट का जब ऑक्सीडेशन किया तो ये क्या बन गया OMGBr, फिनोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और जब इसका हाइड्रोलाइसिस किया तो हमारे पास क्या बन गया OH, दैट इज कॉल्ड एज फिनोल। बताओ कोई तुम लोगों को कहे ये इससे ये बनवा ले, लेफ्ट हैंड साइड में MGBr लगा करके देख दे ग्रिगनार्ड रिएजेंट और OH राइट हैंड साइड में, तो बीच का एक स्टेप पूछ ले तो बता दोगे ऑक्सीडेशन OMGBr। ये था बेटा जो हम लोगों ने सुबह पढ़ा। फिर उसके बाद एक रिएक्शन और पढ़ी थी, दैट वाज फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड के अंदर OHCOH लगा हुआ था, दिस वाज सैलिसिलिक एसिड। और वो हम लोगों से सैलिसिलिक एसिड से फिनोल बनवा रहा है, ये सैलिसिलिक एसिड प्लस 2 NaOH।
जनरली इस रिएक्शन को कहा जाता है डीकार्बोक्सिलेशन। जहां पे भी डीकार्बोक्सिलेशन लिखा देखो, इसका मतलब किसका रिमूवल हो रहा है, CO2 का। और CO2 का रिमूवल यहाँ पे किस सेंस में हो रहा है, ये देखो Na2CO3 बन रहा है। डायरेक्ट CO2 ना निकल करके कार्बोनेट, कार्बोनेट हम लोगों को पता है कार्बोनेट टूटेगा तो कौन सी गैस रिमूवल होगी, CO2। और ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन थी। कई बार वो आप लोगों से ऐसे पूछ लेता है OHCONA, ठीक है, OHCONA किससे आप लोगों से, इसका नाम होता है सोडियम सैलिसिलेट। सोडियम सैलिसिलेट से फिनोल, तो देखो सोडियम सैलिसिलेट की रिएक्शन करो 2NaOH के साथ, ONa Na2CO3H2 बन गया। ONa से तुम लोगों को बनाना आता है, पीछे भी बनाया था। ONa की रिएक्शन किसके साथ करवाई, HCl के साथ, तो इसका H OH और NaCl, ये सब हम लोग सुबह पढ़ चुके थे। अब इससे आगे जो रिएक्शंस करेंगे हम लोग, दो तीन रिएक्शंस और करवा देता हूं मैं, वो है बेटा नेक्स्ट, नेक्स्ट है फ्रॉम मैन्युफैक्चर और इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, मैन्युफैक्चर और इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। देखो बेटा सबसे पहले कैसे बन सकता है फिनोल अगर वो इंडस्ट्री के अंदर बनाना है, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फ्रॉम कोल टार, फ्रॉम कोल टार, तो हम लोग लिखते हैं फिनोल इज obtained from oil fraction and consist of phenol, cresol and naphthalene. ठीक है, एंड इट इज मेनली ऑब्टेन्ड बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रॉम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन at about 445 to 455 Kelvin. ठीक है बेटा, next जो प्रोसेस है ये बहुत बार एग्जाम के अंदर आती है, that is Dow's process. देखो बेटा इसके अंदर होता क्या है, डाउज प्रोसेस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन लेते हैं। क्लोरोबेंजीन को लिख सकता हूं मैं C6H5Cl प्लस 2NaOH एट अबाउट 623 केल्विन एंड हाई प्रेशर, तो ये क्या बन जाता है, सोडियम फिनोक्साइड प्लस NaCl प्लस H2O। अब भाई सोडियम फिनोक्साइड से तो तुम लोगों को बहुत अच्छे से बनाना आता है। देखो सोडियम फिनोक्साइड प्लस H2SO4 गिव्स फिनोल 2C6। OH प्लस Na2SO4। अब देखो क्या किया, क्लोरोबेंजीन था, NaOH, इनको बोलते हैं अल्कली। क्लोरोबेंजीन को जब अल्कली के साथ ट्रीट किया तो मेरे पास सोडियम फिनोक्साइड बन गया। सोडियम फिनोक्साइड बनने के बाद मैंने उसका क्या कर दिया, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन, और क्या बन गया मेरे पास, फिनोल। तो मैं क्या लिखता हूं, दिस
involves alkaline hydrolysis of chlorobenzene and is treated with 10% solution of कास्टिक सोडा, NaOH को कास्टिक सोडा बोलते हैं, कास्टिक सोडा एट हाई प्रेशर सोडियम फिनोक्साइड इज फॉर्म्ड which on treatment with mineral acid gives phenol. ये था बेटा डाउस प्रोसेस, याद हो गया होगा डाउस प्रोसेस, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH अल्कली, और हम लोगों ने क्या बना दिया सोडियम फिनोक्साइड। यहां तक सबको बनाना आना चाहिए, कुछ भी मिले ना उसको सोडियम फिनोक्साइड में चेंज कर लो, फिर उसकी पर्टिकुलर रिएक्शन कर लो। अगर देखो C6H5ON था, अगर इसकी HCl के साथ रिएक्शन होती तो यहां क्या बन जाता है NaCl और OH बन जाता, अरे बोलो, है ना। तो इस तरह से आप लोगों को करना है। नेक्स्ट प्रोसेस इज रेशिग्स प्रोसेस। रेसिग्स प्रोसेस कुछ नहीं यार, फिर वही बात, बेंजीन है, इसके लिए इससे बेंजीन से फिनोल बनाना है। अब पर्टिकुलर रेशिग प्रोसेस नाम ले रहे हैं तो इसका मतलब इसमें पर्टिकुलर रिएजेंट्स यूज होंगे, पर्टिकुलर एक टेम्परेचर होगा, तभी ये रेशिग प्रोसेस है। अगर जनरली चेंज करना होता तो हम लोग किसी से भी कन्वर्ट कर सकते थे, थोड़ी देर पहले भी बनाया था हम लोगों ने। देखो अब मैं दिखाता हूं आप लोगों को, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बेंजीन से और फिनोल बनाया था, लेकिन इस प्रोसेस में हम लोगों ने नाइट्रेशन किया, फिर उसके बाद डाइएजोटाइजेशन किया, तो इसका एक अलग नाम था। लेकिन अब मैं जनरल इस प्रोसेस का नाम ले रहा हूं रेशिग प्रोसेस। तो रेशिग प्रोसेस के अंदर पर्टिकुलर हम लोग रिएजेंट्स लेंगे, पर्टिकुलर एक टेम्परेचर होगा। जैसे रेशिग प्रोसेस में हम लोग बेंजीन प्लस एच सी एल प्लस हाफ ओ टू इन प्रेजेंस ऑफ सी यू सी एल टू एंड एफ ई सी एल थ्री एट अबाउट 500 केल्विन हम लोग क्या बना देते हैं क्लोरोबेंजीन C6H5Cl प्लस H2O, इट इज क्लोरोबेंजीन। और ये क्या बन गया क्लोरोबेंजीन, हॉट वाटर से स्टीम से ट्रीट किया तो ये बन गया फिनोल स्टीम, ये क्लोरोबेंजीन एट अबाउट 700 केल्विन। अब लिखते हैं इसकी एक बार, इसको हम लोग लिखते हैं लिखे क्लोरोबेंजीन is formed by interaction of benzene HCl and air at 500 Kelvin in presence of
क्यूप्रिक क्लोराइड एंड फेरिक क्लोराइड, देन सुपर हीटेड बाय स्टीम एट 700 केल्विन। नेक्स्ट लास्ट रिएक्शन करवा रहा हूं, सीधी सीधी बहुत बार पेपर में आई है, याद कर लेनी है रिएक्शन। ऑक्सीडेशन ऑफ आइसोप्रोपाइल बेंजीन और इस आइसोप्रोपाइल बेंजीन का दूसरा नाम होता है क्यूमीन। क्या नाम होता है? क्यूमीन। देखो जी क्या बनाना है तुम लोगों, क्यूमीन से और भाई साहब फिनोल बनाना है। सबसे पहले तो क्यूमीन बनाना आना चाहिए, बनाए। देखो मैं बेंजीन रिंग लूं और जब मैं बेंजीन रिंग को प्रोपीन के साथ रिएक्ट करूं, CH3CH2 इन प्रेजेंस ऑफ H3PO4 और 523 केल्विन, ठीक है। ठीक, अब देखो क्या करना है तुम लोगों को, ना एल्काइल ग्रुप लगाना है। लो देखो ये बन गया क्यूमीन। क्यूमीन क्या होता है? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का प्रोडक्ट होता है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्काइलेशन का मतलब इसको मैं लिख देता हूं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइलेशन का मतलब एल्काइल ग्रुप लगाना। ये लो लगा दो एल्काइल ग्रुप, ये लो ये बन गया क्यूमीन, ठीक है। कुछ नहीं किया, बेंजीन को किसके साथ रिएक्ट किया? प्रोपीन के साथ, ठीक है। और ये क्या बना? क्यूमीन, ठीक है जी। अब क्यूमीन से हम लोगों को क्या बनाना है? क्यूमीन से क्या बनाना है? फिनोल। लो जी अब क्यूमीन से फिनोल बनाते हैं। क्यूमीन से फिनोल, सबसे पहला स्टेप, क्योंकि OH जो है ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट होगा, ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट होगा ऑक्सीजन लगाने के लिए O2 और कैटलिस्ट एट अबाउट 373 केल्विन। तो देखो जी अब क्या बन गया, कार्बन और ये क्या बन गया? OH, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में मैं क्या कर देता हूं इसका? हाइड्रोलाइसिस एट अबाउट 350 केल्विन और ये बन गया भाई साहब फिनोल प्लस। देखो क्या ये फिनोल बच गया, बेंजीन रिंग के साथ OH लग गया। अब क्या बच गया मेरे पास? CH3CO, ये एक फंक्शनल ग्रुप बन गया। बताऊं कौन सा फंक्शनल ग्रुप? ये देखो अभी बनाता हूं मैं, CH3CO CH3, ये बन गया RC डबल बॉन्ड OR कीटोन, और कीटोन भी कौन सा? एसीटोन। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं आई? कुछ नहीं किया मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको थोड़ा टिक कर रहा हूं। ऑक्सीडेशन ऑफ आइसोप्रोपाइल बेंजीन, सबसे पहले स्टेप में हम लोग क्या बनाएंगे? क्यूमीन। क्यूमीन कैसे बनता है? बेंजीन की प्रोपीन के साथ रिएक्शन और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्काइल प्रोडक्ट लगा दिया, एल्काइल ग्रुप लगा दिया बेंजीन रिंग के साथ। देखो दो एल्काइल लग गए, दो RR और ये क्या बन गया? क्यूमीन। और सेकेंड स्टेप क्या किया? क्यूमीन को ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बनाया इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट OH OO CH3 होल ट्वाइस, और मेरे को पता है मेरे को एक प्रोडक्ट क्या बनाना है? फिनोल बनाना है, और मैंने कुछ ऐसा किया, ठीक है। तो मैं क्या लिखता हूं? मैं लिखता हूं क्यूमीन इज ऑक्सीडाइज्ड, क्यूमीन इज ऑक्सीडाइज्ड विद ऑक्सीजन
और एयर इनटू क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट दिस इज देखो भाई एक छोटा सा शब्द समझो H2H पॉजिटिव जब भी बेटा यहां पे ये H पॉजिटिव देखो इसका मतलब वाटर के साथ H पॉजिटिव इसका मतलब वाटर के अंदर जो H पॉजिटिव है ये हम लोगों को सिग्निफाई कर रहा है कि मीडियम कैसा है एसिडिक मीडियम है। अभी मैं एक मैकेनिज्म भी करूंगा जो मैंने कहा था मैं करूंगा बाद में तो उसमें हम लोग H पॉजिटिव को H2O के साथ रिएक्ट कराएंगे हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे। तो जहां पे भी ये H पॉजिटिव ऐसे लिखा हुआ देखो इसका मतलब मीडियम कैसा है एसिडिक मीडियम है और यहां पे सॉल्वेंट कौन है वाटर। ठीक है दिस इज डिकम्पोज्ड बाई डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इनटू फिनोल एंड एसीटोन फिनोल एंड एसीटोन। ये था बेटा आज का लेक्चर। आप लोगों के पास अब मैं रोज यही ट्राई करूंगा कि सुबह जूम क्लास के बाद इस तरह से लेक्चर भेजा जाए। ठीक है थैंक यू।